आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। यदि आपका आधार कार्ड खो चुका है और आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको डाउनलोड करने में काफी दिक्कतें आ रही होगी। उसका एक दूसरा सॉल्यूशन है, आप आधार कार्ड को रिऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसको आने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन आपको अर्जेंटली उसको चाहिए तो आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। लेकिन आज मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उसकी मदद से अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा फिर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारी प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि आप इस वेबसाइट पे आइएगा, इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है कि कैसे यह डाउनलोड होगा और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो के द्वारा सब कुछ बताया गया है और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो में आगे बने रहना है, हम आपको इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और दूसरी बात कि आप उस वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर हमने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिंक दे रखी है आधार कार्ड डाउनलोड, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद की सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आप इस सर्विस को हर वक्त नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हर वक्त नहीं होगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये जो आधार कार्ड डाउनलोड होने वाला है वो आपके फेस से होगा, यानी कि आपका जो फेस है वो कैप्चर करेगा और उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा और आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास एक तो वेब कैमरा होना चाहिए, उसके बाद आप वेब कैमरे को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे आगे की, ठीक है? तो आपके पास एक वेब कैमरा जरूर होना चाहिए। वेब कैमरा कैसा होगा वो आपको साइड में यहाँ पर शो कर रहा होगा। उसके बाद की प्रोसेस जो होगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे नीचे यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगा। इस तरीके से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको फेस ऑथ भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है अपना सही से। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है सही से। यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद फेस ऑथ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आपको फेस को रखना है। आपका जो फेस है वो लाइट में होना चाहिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। आपको जो है अपना फेस है वो सही डायरेक्शन में रखना है। आपका जो फेस है वो कैप्चर होगा, यहाँ पर कैप्चर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको सही से कैमरे को रखना है तभी आपका जो फेस है वो कैप्चर कर पाएगा। आपने अगर गॉगल्स लगाए हैं यानी कि आपने अगर चश्मा पहना है तो आप उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि चश्मे में आपका जो फेस है वो कैप्चर नहीं होगा। तो आपको यहाँ सही से आपको फेस देखिए, यहाँ पर हमारा फेस जो है वो कैप्चर हो चुका है। योर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाउनलोड विल बी डाउनलोड, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आपको। उसके बाद आपको एक दूसरा फॉर्म मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पर आपको नो कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है 6 to 10 days। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर वेरीफाइड एंड डाउनलोड, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बार जो है दिक्कतें आएगी क्योंकि इसका जो सर्वर प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आती है तो फिर से आप इसको ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि आप इसको कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप इस सर्विस को हर वक्त नहीं यूज़ कर पाएंगे। आपने जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद फेस ऑथ अगर लिखा हुआ आता है तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पर अगर OTP आता है लिखा हुआ तो आपको उसको क्लोज करने के बाद दोबारा से ट्राई करना है, तभी आपको फिर से वहाँ पर अगर फेस वो मिलता है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस आपको कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। ये बिल्कुल सही बात है, ये सही प्रोसेस है, आप इसको फेक मत समझिएगा।
आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को इसकी आधार कार्ड की जरूरत होती है और उसका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होने की वजह से उसका आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर से आपका आधार कार्ड डाउनलोड जरूर से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम काफ़ी वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप हमारा साथ दीजिए, हम आगे ऐसे मेहनत करते रहेंगे। मिलते किसी दूसरे वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।